अगर आप एक YouTube कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं इन्फो वेन्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक YouTube कंटेंट क्रिएटर किस तरह बन सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्टेंट क्रिएटर कौन होता है। कॉन्टेंट क्रिएटर को हम दो वर्ड्स में डिवाइड कर समझ लेते हैं, कंटेंट और क्रिएटर। कंटेंट हम बोलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन जो किसी पर्पस से लोगों के बीच शेयर की जाती है और एक किसी माध्यम के ज़रिए, यानी कि किसी चैनल के ज़रिए, जैसे कि यूट्यूब के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि पर्पस के लिए हम करते हैं। कोई चीज़ आपको बेचनी है, सेल करना है, तो इसमें आप कंटेंट बनाते हैं। आपको लोगों को एजुकेट करना है, इसमें आप कंटेंट बनाते हो। या आपको एम्पावर करना है या एंटरटेन करना है, मतलब कि मान लीजिए आप एक कॉमेडी की फील्ड में आप वीडियोस बनाते हो या कंटेंट बनाते हो, तो आप लोगों को हंसा रहे हो, उन्हें एंटरटेन कर रहे हो, तो ये आपका एक पर्पस हो सकता है। तो इसे बोलते हैं हम कंटेंट। अब बात करते हैं क्रिएटर की। क्रिएटर मतलब जो क्रिएट करता है, जो इस कंटेंट को क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं हम क्रिएटर। तो जो कंटेंट बनाता है, लोगों तक पहुंचाता है, वैल्यू एडिशन करता है, उसे बोलते हैं हम कंटेंट क्रिएटर। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंटेंट क्रिएटर हम किसे बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन अपने टॉपिक के ऊपर कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर आप एक कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो उसे मैंने तीन स्टेप्स में बांटा है, उस जर्नी को मैंने तीन स्टेप्स में बांटा है जिससे आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। सबसे पहला है चूज अ निच। अब आप सोच रहे होंगे ये निच क्या होता है, यानी कि कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन या ऐसी फील्ड जिसके ऊपर आप कंटेंट बनाना चाहते हो। एग्जांपल देता हूँ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ये निचेस हो गए जिसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि है और आप स्पोर्ट्स के ऊपर बोल सकते हो। मान लो स्पोर्ट्स में भी आपके सब निचेस आ सकते हैं, जैसे कि आप फुटबॉल चूज कर सकते हो, आप क्रिकेट चूज कर सकते हो, आप वीडियो कंटेंट आप बना सकते हो यूट्यूब के ऊपर। अब ऑब्वियसली बिकॉज मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ तो वीडियोज़ की ही बात करूँगा। तो ये कुछ आपका हो गया इसके अंदर निचेस। इसके अलावा आप एजुकेशन में भी बहुत सी चीज़ें आप आ सकते हैं। अब एजुकेशन तो बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है। एजुकेशन में आप फिनेंस के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटेंट बना सकते हो। सपोज मान लीजिए मैं कोई कंटेंट राइटर हूँ तो मैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर बना सकता हूँ। या मान लीजिए आप खाना बनाना सिखाते हैं लोगों को, तो आप खाने के ऊपर अपना कंटेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूज़िक अगर आपको पसंद है तो आप गाने के फॉर्म में कंटेंट डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, लोग एंटरटेन होंगे। कॉमेडी अगर आप करते हैं तो उससे भी एंटरटेन होगा। तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, लोगों को आपका कंटेंट जो है पहुंच रहा है किसी पर्पस के ज़रिए। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर लोग भी वीडियोस बनाते हैं। मतलब इसके अलावा ना जाने हज़ारों निचेस होंगे जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। सबसे पहले आपको अपना निच चूज़ करना है कि भाई मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको वो निच चूज़ करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर वीडियो कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए यूट्यूब के ऊपर। एग्जांपल देता हूँ मैं अपना, मेरे दो चैनल्स हैं, ठीक है। मेरे को एजुकेट करना पसंद है लोगों को, मेरे को करियर गाइडेंस वीडियोज़ बनाना पसंद है कि मैं करियर रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ। तो करियर आप मान सकते हैं कि करियर गाइडेंस एक निच हो गया। इसके अलावा मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है अब्बास अमरोही के नाम से, उसके ऊपर मैं फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ। यानी कि मैं कहीं खाना जाना जाता हूँ, उसका फूड रिव्यू की वीडियो बना देता हूँ, या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ का दिखा जाता हूँ। तो ये ट्रैवल एक निच हो गया, फूड एक निच हो गया। इसी तरह ये जो करियर की वीडियोज़ बना रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, ये भी एक वीडियो जो है ये मेरे करियर वाले चैनल इन्फो वेन्यू पे आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना, और जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आपको शौक हो, तभी आप उसमें अच्छा कंटेंट बना पाओगे। तो पहली स्टेप हो गई कि चूज अ निच। सेकंड स्टेप होती है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। अब आपने चूज़ कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर मुझे रुचि है, इंटरेस्ट है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए स्पोर्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है। अब आपने वो चूज़ कर लिया, उसके ऊपर आपको वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करनी। अब वीडियो आप बनाते रहिए, धीरे धीरे करके जब आप वीडियो बनाएंगे, लोग पसंद करेंगे, आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा,
और लोग भी उससे खुश होंगे कि या तो आप उन्हें जो भी आपकी कमेंट्री है, मान लीजिए जैसे मैंने स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया था, वो पसंद आ रही है। तो इस तरह से आपका सेकंड स्टेप हो जाती है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं हम, ऐड वैल्यू टू योर ऑडियंस। अब आपने पहली चीज़ों को निच चूज कर लिया, कंटेंट बनाना भी स्टार्ट कर लिया। अब भाई जो आप कंटेंट बना रहे हो वो किसी के काम तो आना चाहिए। अब मेरी वीडियो आप देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो मेरी तरफ से काम हो गया। तो आपको वैल्यू एडिशन करना है अपनी वीडियो के ज़रिए, यानी कि अगर आपको कोई एक व्यू दे रहा है, वीडियो आपकी देख रहा है, तो उसे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। मान लीजिए आप एक कॉमेडी के कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, तो आपको कॉमेडी के ज़रिए अगर आप लोगों को हंसा पा रहे हो तो वैल्यू एडिशन हो गया। अगर मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जो उन्हें पढ़ा रहा हूँ उससे उन्हें मदद मिल रही है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, उन्हें उसका आंसर मिल गया, सोल्यूशन मिल गया, तो वैल्यू एडिशन हो गया। तो ये तीन बेसिक स्टेप्स होती हैं कॉन्टेंट क्रिएटर की जर्नी की। आपको हमेशा इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो आप ज़रूर एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं यूट्यूब के ऊपर, SEO बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि मैंने अपने यूट्यूब के 2 से 2.5 साल के करियर के अंदर सीखी हैं। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक यूट्यूब मास्टरी वर्कशॉप, जो कि 1 मंथ की है, जिसके अंदर 8 सेशंस हैं, 8 क्लासेज होंगी, हर हफ्ते 2 क्लासेज। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। हर बेसिक चीज़ से लेके आपको बिल्कुल आखिर तक सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप यूट्यूब पर आगे बढ़ सकते हैं, जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन आप किस तरह से कर सकते हैं, थंबनेल किस तरह से अच्छी बनाएं, टाइटल किस तरह का लिखें, कीवर्ड रिसर्च, हर चीज़ के ऊपर बात की जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आप इस वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप मुझे WhatsApp कीजिएगा, बिकॉज ज़्यादा कॉल्स आने की वजह से मैं कॉल्स नहीं ले पाता हूँ। या आप मुझे Instagram पर पिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वर्कशॉप को करने के बाद आपको बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी, आपके पास स्किल का एनहांसमेंट भी होगा और आप एक अच्छे YouTube कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे। इसमें आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो मेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनलाइज वन-ऑन-1 करियर गाइडेंस सेशंस भी कनेक्ट करता हूँ, तो अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप अपना सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।